नमस्कार, ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का फरमान, रेस्टोरेंट, मॉल व अन्य संस्थानों को लगाने होंगे भगवान श्री राम के बैनर पोस्टर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को एमपी में नहीं होगी बिजली कटौती, अयोध्या के लिए चलेंगी 19 स्पेशल ट्रेनें। अयोध्या के राम मंदिर पर कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा इस पर केवल बीजेपी का अधिकार नहीं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। एमपी में आज से शुरू हुई विधायकों की दो दिवसीय पाठशाला, रेस्ट हाउस बनाने की उठी मांग, ओम बिरला ने सिखाया संसदीय आचरण। एमपीपीएससी ने जारी किया स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2021 का फाइनल रिजल्ट, सहायक यंत्री सिविल के कुल 446 पदों के लिए निकाली गई थी भर्ती। 13 वर्ष में भोपाल बीआरटीएस कॉरिडोर पर 450 करोड़ से ज्यादा का हुआ खर्च, अब हटाने के लिए लगेगा 18 करोड़ से ज्यादा का धन। शाजापुर में धार्मिक रैली पर पथराव, कई लोगों को आई चोटें, 3 इलाकों में लगाई गई धारा 144, भारी पुलिस फोर्स तैनात। पूरे मध्य प्रदेश में शीतलहर, घने कोहरे की चपेट में कई जिले, अगले 24 घंटे में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव, कड़ाके की ठंड के बाद सीएम का निर्देश, बच्चों को मिली राहत। मध्य प्रदेश में शीतलहर के साथ घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, घंटों देरी से चल रही हैं ट्रेनें, कई ट्रेनें रीशेड्यूल बरत। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।